नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं प्रियंका, अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। जगह जगह लोगों ने चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर रोक लगाई। चिराग और पशुपति की कलह के चलते कार्यवाही। पीएम मोदी बोले, कृषि कानूनों की आलोचना करना राजनीतिक छल है, जनता के फायदे के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार। 24 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगी। गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित तिरिल के सर्वोदय आश्रम पहुंचे। राज्यपाल और सीएम ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही चरखा चलाकर गांधी जी को किया याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी के मोराबादी मैदान में 2200 सहायक पुलिस कर्मियों को संभालने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस जवानों को लगाया गया है। सहायक पुलिस कर्मी पिछले 6 दिनों से अपनी मांग को लेकर मोराबादी मैदान में डटे हैं। साहिबगंज में एक बार फिर अंधविश्वास का नमूना देखने को मिला, जहां एक परिवार में सर्पदंश से मौत के बाद बच्चे के शव को गंगा में बहा दिया गया। बच्चे के परिजनों का मानना है कि ऐसा करने से उनका बच्चा जिंदा होकर वापस लौट आएगा। बोकारो में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया गया। बाबा भोलेनाथ के दरबार में पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सुधीर सिंह सपरिवार बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 6 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या। इलाके में दहशत। मानगो में आलू कारोबारी से हुई लूट का हुआ खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। नगर के चाकू समेत अन्य सामान बरामद। भैरागोड़ा में मारुति ओमनी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मारुति चालक की मौत। जमशेदपुर में आज जल गुणवत्ता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। गांव-गांव जाकर पानी की गुणवत्ता के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। जमशेदपुर में 40वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। तब तक के लिए बने रहे सोशल संवाद के साथ। धन्यवाद।